अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 इंग्लिश टॉपिक हमारा है इफ एन एवर फॉर एवर एंड इफ योर, पेज नंबर 43। प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी रीडिंग, जो लेसन प्रीवियस था उसको हम कंप्लीट कर लिया हुआ है, उसका ऐसे किया था हमने। तो आज हम न्यू चैप्टर जो यूनिट नंबर 7 इसकी रीडिंग करेंगे स्टार्ट से। तो पेज नंबर 43 है और लेसन जो है इफ एन एवर फॉर एवर एंड इफ योर, इसका मतलब है कि अगर मैं कभी भी इस काम को करने की कोशिश ना करता, यानी कि अगर कोई काम हम अगर करना चाहते हैं और हमें सोचा हुआ है कि हमने ये काम करना है, अगर जब तक उसको हम अमली तौर पर नहीं करेंगे, सिर्फ सोचेंगे, तो वो काम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उस काम को करने की कोशिश नहीं करते, आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप वो काम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, जैसे अगर आप कोई काम, जैसे आपका स्कूल का होमवर्क है, ठीक है, और आपको दिया जाता है टास्क कि आपने इसको, अगर आज मंडे है तो कहा जा रहा है कि इसको आपने ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपने ये काम मुकम्मल करना है, या अगर आपको क्लास में से टीचर जो है वो टास्क दे देती हैं कि ये काम जो प्रोजेक्ट है या ये होमवर्क है, ये प्रैक्टिस है, उसको आपने घर से करके आना है इतने टाइम में या इतने दिनों तक, और आप सोचेंगे ठीक है मैं ये काम जो है ना आधे घंटे में कर लूँगा, लेकिन आप वो काम करें ही नहीं, जब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे इसको करने की, तो वो कैसे आधे घंटे में मुकम्मल होगा। ठीक है, कि काम को करने की कोशिश नहीं करेंगे तो काम जो है वो कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ आई इस टॉपिक की। पेज नंबर 43 पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टर है अहमद एंड हिज मदर, ठीक है, दोनों जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। अहमद जो है वो बोरिंग फील कर रहा होता है अपना होमवर्क करने के बाद, और अपनी मदर के पास जाकर उनसे डिस्कस करता है इस बारे में, तो वो फिर आगे से उसको गाइड करती हैं। तो देखते हैं आगे वो क्या हो रहा है। मॉम आई हैव नथिंग टू डू, मदर मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, सेड अहमद एज ही एंटर द किचन, अहमद ने कहा जब वो किचन के अंदर दाखिल हुआ। हिज मदर वॉज बिजी कुकिंग फॉर डिनर, उसकी माँ जो है वो खाना बनाने में मसरूफ थी। हैव यू कम्प्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, शी इंक्वायर्ड, उन्होंने पूछा। यस आई एम ऑल डन, हाँ मैंने सारा काम मुकम्मल कर लिया है। नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड, लेकिन अब मैं जो बहुत ज़्यादा बेजारियत महसूस कर रहा हूँ। ही सैड उसने कहा। राइट आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू टू रीड, ठीक है मेरे पास तुम्हारे पढ़ने के लिए एक दिलचस्प चीज़ है, सैड मॉम, मदर ने, माँ ने कहा। अब यहाँ तक जो अहमद है वो किचन में जब दाखिल होता है तो उसकी मदर जो है वो रात का खाना बनाने में मसरूफ़ होती हैं, तो वो उसे पूछती हैं कि तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया स्कूल का, तो उसने कहा कि जी मैंने कर लिया और अब मैं बहुत ज़्यादा बेजारियत यानी कि बोरियत महसूस कर रहा हूँ। तो वो आगे से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें एक बुक या किताब देती हूँ पढ़ने के लिए जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। व्हाट्स दैट, ये क्या है, आस्क्ड अहमद एक्साइटेडली, अहमद ने पुरजोश होकर पूछा। इट्स अ बुक रिव्यू, ये एक बुक रिव्यू है। बुक रिव्यू कोई किताब जो हमारे पास आने से पहले उसके रिव्यूज़ आते हैं, ठीक है, अगर आप कोई किताब लेना चाह रहे हैं, जैसे हम किसी कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेना हो स्कूल में, तो उसके पहले हम उसका जो प्रॉस्पेक्टस यानी कि उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी रीडिंग या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हासिल करते हैं कि क्या ये स्कूल अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, या कोई किताब लेने से पहले जो रिव्यू दिया जाता है कि ये आप जो बुक या कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो उस रिव्यू से आपको उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका पता चल जाता है, हाईलाइटेड जो वर्ड्स या पॉइंट्स होते हैं वो मालूम हो जाते हैं, उसको कहते हैं बुक रिव्यू। तो वो कह रही हैं इट्स अ बुक रिव्यू, शी सैड, उन्होंने कहा बुक रिव्यू। वो अब आगे से क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ दैट, ये बुक रिव्यू क्या है। इंक्वायर्ड अहमद, अहमद ने पूछा। अ बुक रिव्यू टेल्स अस व्हाट अ बुक इज़ अबाउट, रिव्यू बुक जो हमें होता है बुक रिव्यू हमें बताता है कि ये बुक जो है वो किस बारे में है, इसमें हम क्या लिखा हुआ है। इट हेल्प अस टू गेट क्विक डिटेल्स ऑफ अ बुक, ये हमें उस बुक के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जल्दी फ्राहम करता है। एंड चूज़ द बुक ऑफ आर इंटरेस्ट, और हमें हमारी पसंद या जो जिस चीज़ में हमारी दिलचस्पी है उस बुक का इंतखाब करने में हमारी मदद करता है। एक्सप्लेन मॉम, मॉम ने वजाहत की। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। आई होप इट वुड बी फन टू रीड अ बुक रिव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लुत्फ आएगा पहली दफ़ा बुक रिव्यू को पढ़ने में। सैड अहमद, अहमद ने कहा। यस यू विल रियली इन्जॉय इट, हाँ तुम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे इसको।
जस्ट गिव मी 5 मिनट्स टू फिनिश कुकिंग, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं ये खाना जो है उसको ख़त्म कर लूँ, यानी कि जो खाना वो कुक कर रही थी वो कह रही थी मैं इसको फिनिश कर लूँ, पहले मैं ये काम फिर तुम्हें बुक देती हूँ। आई विल गिव यू दैट, फिर मैं तुम्हें दूंगी, शी सैड, उन्होंने कहा। श्योर, यकीनन, रिप्लाइड अहमद, अहमद ने जवाब दिया। हियर इज़ द बुक रिव्यू शी शेयर विद अहमद, ये बुक रिव्यू है जो उन्होंने अहमद के साथ शेयर किया। ये ग्रीन बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इफ एन एवर फॉर एवर एंड अ व्यूर, ये बुक रिव्यू जो है, अब बुक टाइटल क्या है, इफ एन एवर फॉर एवर एंड अ व्यूर, कैटेगरी, अब ये किस कैटेगरी की बुक होगी, ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है और लिखा हुआ है कि एक फिक्शन है, यानी कि एक इमेजिनेटिव तसव्वुराती कहानी है, नॉट रियलिटी, बस इमेजिन किया है कि ऐसा होता है। ऑथर हॉलीमीड, लिखने वाले का नाम है हॉलीमीड। इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेट भी हॉलीमीड ने ही किया है। रिव्यूअर, कैले जैगलर, और जैगलर, और जिसने इसका रिव्यू तैयार किया है वो है कैले जैगलर। तो ये हमारे पास बुक रिव्यू और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो मदर ने अहमद को प्रोवाइड की थी। ठीक है, फर्स्ट पेज की घर से आपने रीडिंग करनी है विद ट्रांसलेशन, जी आज का आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।